हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि दिल्ली के अंदर कॉलेजेस देख रहे हैं, तो उन्हीं कॉलेजेस की दौर में एक कॉलेज आता है, डेट इज अपना है एचएमआर। और इस एचएमआर कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि यार एचएमआर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एचएमआर कॉलेज का यार हमारा प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस कॉलेज की हर एक चीज बताएंगे, आपको रियलिटी भी थोड़ी बताएंगे कि क्या है एक्चुअली में, कैसे एडमिशन होते हैं, हर एक चीज। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि आपके दिमाग में जो भी डाउट से इस कॉलेज के रिलेटेड लास्ट में वर्थ इट रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, हर एक चीज बताएंगे। तो यार अब ज्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये जानते हैं। इस कॉलेज का पूरा नाम है यार हीरा लाल मोहन देवी रीता गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, और ये कॉलेज हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 2003 के अंदर। और अगर इसकी बात करें कितना बड़ा कैंपस है, तो यार वैसे ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, 5 acres का कैंपस है, बट इसी के अंदर इन्होंने सारी लैब्स और सारी चीज मैनेज कर रखी है। ये कॉलेज हमारा AICTE से अप्रूव्ड है और ये हमारा आता है GGSIPU के अंदर, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर ये अफिलेटेड है। अब जान लेते हैं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग के एडमिशन इस कॉलेज में आपको लेने हैं, तो इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप लोग सभी बच्चे हो सकता है दे रहे होंगे या देने के बाद मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। अप्लाई आप कैसे करोगे? तो यार दिल्ली के अंदर ही हमारा आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, डेट इज आईपीयू की काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग के थ्रू आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके अप्लाई करने के बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम इस कॉलेज के कोर्सेज के ऊपर कि इस कॉलेज में अगर हम लोग आ रहे हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हमें मिलेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं? सबसे पहली चीज तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है, साथ ही में इसके साथ आईटी ब्रांच भी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस भी देखने को मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी देखने को मिल जाएगा, सीएसई का स्पेशलाइजेशन डेट इज साइबर सिक्योरिटी वो भी देखने को मिल जाएगा, ईसी ब्रांच भी मिल जाएगा देखने को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सीएसई का सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ब्रांचेस के मामले में ठीक है यार, आपको इतने सारे ब्रांचेस देखने को मिलने, ज्यादातर कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है, तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन होने वाली है वो कंप्यूटर साइंस की है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच किसी भी कॉलेज में ले रहे हो तो इसका मतलब ये फायदा है कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिलेगी, आप ऐसे नहीं बैठे रहोगे यार कि प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही, किसी भी कॉलेज की बात करे जाए, ठीक है ना, तो प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं आई क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिल जाता है, रदर देन कि अगर आप लोअर ब्रांचेस में ले रहे हो। तो अब आ जाते हैं इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। भैया आप थोड़ा सा फीस बता दीजिए, अगर हम इस कॉलेज में जाएंगे तो डेट इज अ प्राइवेट कॉलेज है ये, तो इस प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप जा रहे हो तो कितनी फीस आपकी टोटल लगने वाली है। ठीक है, तो टोटल फीस की बात करें तो ये ट्यूशन फीस इस कॉलेज में 1,03,000 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही में यूनिवर्सिटी के 20,000 चार्जेस हैं, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होगा बाद में वो 10,000 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद आपको एलुमनाई फंड 2,000 लगेगा, टोटल अगर बात की जाए तो 1,35,700 रुपीज आपके लगने वाले हैं। ठीक है, इतने पूरे टोटल लगेंगे जिसमें कि लास्ट में 10,000 रिफंडेबल होगा, ये फर्स्ट ईयर की फीस हुई। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से आपका इसमें 10,000 कम करके आप दे सकते हो। ठीक है, जब मैं फीस की बात कर रहा हूं तो अगर आप यहां पे आ रहे हो दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो तो स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया 1,03,000 इसकी ट्यूशन फीस है। आप अगर इस कॉलेज में आओगे तो इस कॉलेज के अंदर दो तरह से आपको मिल सकते हैं स्कॉलरशिप्स। पहला बेस्ड अपॉन होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है चाहे दिल्ली का हो या कहीं का भी हो काम चल जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जितना भी फीस है उसका 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि 1,03,000 तो 50,000 के अप्रॉक्सिमेटली ई डिस्ट्रिक्ट के जो पोर्टल होता है उस पर अगर आप करोगे तो मैरिट कम मींस स्कॉलरशिप होती है उस पर अप्लाई करोगे तो आपको 50,000 मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास दिल्ली का राशन कार्ड है तो दिल्ली के राशन कार्ड के थ्रू आप लोगों को 100% की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी इस कॉलेज में, तब आपके लिए और भी अफोर्डेबल हो जाता है ये कॉलेज। ठीक है, अब इस कॉलेज के यार फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कॉलेज के अगर हम अंदर आ रहे हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाएगी, इसके बाद हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर भी चल रहे होंगे। फैसिलिटीज की बात करें तो यार 48 क्लासरूम्स इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे, 57 लेबोरेटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इस कॉलेज के अंदर यार सेमिनार हॉल है हमारा, कॉन्फ्रेंस रूम है, ठीक है, इतने सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, रिसर्च लैब आपको देखने को मिल जाएगी, लैंग्वेज लैब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी लैब्स है यार, लैब्स के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज
क्या मिल रहा है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, यानी कि अगर आपको सेमेस्टर के लिए कुछ पढ़ना वढ़ना है तो यहीं से जाके बुक्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से बाय करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ भी सकते हैं एंड वहां से आप लोग बुक्स जो है इशू करवा करके आप अपना सेमेस्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। वाईफाई है पूरे कैंपस में, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि है क्या कि यहाँ पे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है, वहां से थोड़ा सा दूर है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने बस की फैसिलिटीज दे रखी है, तो आप बस के थ्रू आ सकते हो, तो बस की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर, तो इसलिए ये बेटर हो जाता है। वरना क्या है, अगर बस फैसिलिटी नहीं होती तो मैं बताऊं थोड़ा सा मुश्किल है रीच करना, ठीक है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो भी बेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतर के फिर वहां से रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैंटीन देखने को मिल जाएगी, आरओ वाटर की फैसिलिटी, लिफ्ट है कॉलेज के अंदर, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा उससे चढ़ के जाना है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, आप लिफ्ट का यूज करके भी जा सकते हो। मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है इस कॉलेज के अंदर। अब जाते हैं इस कॉलेज के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्या स्पोर्ट्स खेलने के लिए कुछ करने के लिए है क्या इस कॉलेज में? हाँ, तो आपको थोड़ी सी इंडोर एंड आउटडोर की फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। आप इंडोर में खेल सकते हो टेबल टेनिस, ये सारी चीज आप लोग इस कॉलेज के अंदर खेल सकते हो। आउटडोर में बास्केटबॉल, ये सब जो गेम्स हैं वो सब भी आप इस कॉलेज के अंदर खेल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएगी। आ जाता है सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट, भैया आप प्लेसमेंट का बताओ, क्योंकि हम अगर कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहली चीज प्लेसमेंट पे ही ध्यान जाएगा, ठीक है। तो अब आपको प्लेसमेंट की पूरी रियलिटी बताते हैं। सबसे पहले यार यहाँ का हाईएस्ट पैकेज अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अभी तक जितने हो चुके हैं अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज गया है डेट इज 35 LPA, 35 लाख का जा रखा है प्लेसमेंट अभी तक जो HMR कॉलेज को मिला है, ठीक है। दूसरी बात की यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है, देखो यार कंपनीज विजिट बहुत करती है, यानी कि अगर मैं नाम बताऊं तो TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Hitachi, HCL, IBM, Juice Technology, ठीक है, बहुत सारे Tech Mahindra, Byju's और Amazon जैसी कंपनीज भी आती हैं, मतलब आती हैं। आने का मतलब ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच ले रहे हो, IT जैसी ब्रांच ले रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हमारा आगे के दौर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मशीन लर्निंग, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, तो अगर इन ब्रांचेस में लोगे तो अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर हम लोग एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं बात करूँ एवरेज प्लेसमेंट, तो 5 LPA के अप्रॉक्सीमेटली आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 5 LPA इन द सेंस कि आप यार ऐसी कंप्यूटर साइंस की जैसी ब्रांचेस ले रहे हो, और हाँ आप जाओगे कॉलेज में और आपको अपनी खुद की भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि यार आप सोचोगे कि बिना मेहनत के मेरे को हर एक चीज़ मिल जाए, तो वो चाहे किसी भी अच्छे कॉलेज में भी चले जाते हो या किसी में भी, तो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो खुद के एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो 5 LPA का एवरेज प्लेसमेंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस हिसाब से आप लोग इस कॉलेज में सोच करके जा सकते हैं। ओवरऑल कहूँ तो प्लेसमेंट डिसेंट सी है, ठीक ठाक सी है, अगर आप चाहो तो इस कॉलेज को ले सकते हैं। आ जाते हैं भैया प्रोज और कॉन्स। सबसे पहले प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस कॉलेज की प्रोज बात करें, थोड़ा सा एक ग्रीन इन्वायरमेंट है कॉलेज का, मतलब ऐसा है पूरी हरियाली सी आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेगी। सेकंड बात करें तो यार आपको यहाँ पे लैब्स इक्विप्ड मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत सारे यार, मतलब कितनी ज़्यादा लैब्स है, ठीक है। दूसरे ब्रांचेस के मैकेनिकल के लिए भी है लैब्स हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी फैसिलिटी के मामले में बात करें। तीसरी यार सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका प्रोज है कि यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लग रखा है 146 किलोवाट का, तो एक ये है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ये लोग थोड़ा सा HMR कॉलेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। लिफ्ट है कॉलेज के अंदर, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे में ऐसा होता है कि नहीं है लिफ्ट, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिली, तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं इस कॉलेज में। प्लेसमेंट ठीक ठाक से, अगर आप ऐसी ब्रांचेस अच्छी ब्रांच ले रहे हो तो अगर मेहनत करते हो तो अच्छी खासी प्लेसमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसी कॉन्स की बात करें तो यार देखो यार अगर IPU के अंदर बात करें तो थोड़ा सा नीचे आता है कॉलेज, बस एक ही इसका थोड़ा सा इसलिए कौन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो एक्चुअली इस कॉलेज का पता नहीं है, थोड़ा सा रीच करने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ इस रीच को ये लोग थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, फ्रॉम द बस से जाएंगे आएंगे तो ठीक कर रहे हैं। तीसरी चीज़ की प्लेसमेंट के मामले, अच्छी ब्रांचेस अगर आप ले रहे हो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस तो ठीक है, लेकिन थोड़ी नीचे की ब्रांचेस अगर आप लोगों तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको पसंद है कि यार मेरे को मैकेनिकल ही लेना है ऐसा, तो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लैब्स ये सब मिलेंगी, लेकिन हाँ ये मेरी तरफ से प्रोज और कॉन्स रहने वाले हैं। आई होप सो कि आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है डिटेल्ड में, फिर भी कुछ डाउट्स रह गए इस कॉलेज के बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके डाउट्स का क्लियर कर देंगे इस कॉलेज का, ध्यान से पूछ लेना। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।